नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका सुधीर गुप्ता के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संत कबीर नगर बीजेपी के बारे में। संत कबीर नगर में बीजेपी जहां एक तरफ से निषादों के वोट को लेके कमजोर पड़ती हुई दिख रही थी, जहां पे ब्राह्मणों के वोट को लेके कमजोर पड़ती हुई दिख रही थी, वहीं पे एक बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, या कह सकते हैं बीजेपी का ये बहुत बड़ा स्ट्रोक माना जाता है। लास्ट समय में जहां पे ये चुनाव का छठा चरण चल रहा है, संत कबीर नगर में वोटिंग 12 तारीख को होनी है, तो संत कबीर नगर मेहदावल क्षेत्र में ब्राह्मणों का जाना माना चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर अनिल त्रिपाठी को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल करा लिया, और यह सूचना अभी कल मिली है। कल ये काम किया गया है, और यहाँ पे शरद त्रिपाठी का टिकट कटने के बाद ब्राह्मणों का जो लगभग 50-60% वोट जा रहा था यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी भीष्म शंकर कुशल तिवारी से, तो हो सकता है वहाँ से कुछ वोट कट के अब, क्योंकि इनका भी एक पहचान है क्षेत्र में, इनकी भी एक पहुँच है और इनकी भी पब्लिक तक एक अपनी पकड़ है, तो इससे हो सकता है कुछ वोट जो ब्राह्मणों का कट रहा था वो अब भाजपा के खेमे में फिर से वापस हो जाए। यानी कि संत कबीर नगर में बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है यहाँ पे अनिल त्रिपाठी के बीजेपी में ज्वाइन होने से। अभी ये न्यूज आज हेमा मालिनी की सभा थी, ये ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया गया कि यहाँ पे अनिल त्रिपाठी जी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और अनिल त्रिपाठी हेमा मालिनी के साथ मंच साझा करते भी दिखे। यानी कि कह सकते हैं संत कबीर नगर से तो उम्मीदवार है बीजेपी प्रवीण निषाद, उनके साथ भी मंच साझा करते दिखे। तो ये थी एक बहुत बड़ी खबर जो संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से निकल के आई है। और आप सब भी अगर जो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा उसको लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।